immersive human platforms, experiences हम create कर रहे थे for the first time in Pakistan. It's not just about the VR, it's not just about the software development, game development, but we also developed the hardware platforms and electronics and everything to deliver a complete immersive platform. MashaAllah, startup का काफी अच्छी journey रही हमारी. काफी कुछ सीखा, mentorship मिली, suggestions मिली, industrialists से मिले. वो जो true entrepreneurs थे उनसे काफ़ी अच्छी insight मिली. हमने अपनी processes को improve किया, अपनी experiences को improve किया. काफ़ी developments हुई हैं 5-6-7 महीनों में. Revenues काफ़ी अच्छी हुई, हमारा vision improve हुआ कि हमने कहाँ तक जाना है, आगे जाना है, global level तक कैसे जाना है, अपने products को export level तक कैसे ready करना है. It was an amazing journey. कहते हैं कि there is no such thing as self-made. कंट्रीब्यूट करते हैं सारे, कंट्रीब्यूट करते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली, कंट्रीब्यूट करते हैं वालदेन, कंट्रीब्यूट करते हैं मेंटर्स, कंट्रीब्यूट करते हैं. आई एम अ रिसर्च गाय, आई एम अ टेक्निकल गाय. मुझे जो लस्ट है, जो थर्स्ट है वो रिसर्च और इन चीज़ों से. तो बाय द डे आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम सिकॉज यूनिवर्सिटी, आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम सिकॉज यूनिवर्सिटी बैक इन 2005. सो आई जॉइंड ट्रायंगल इंटरएक्टिव. दैट वॉज द फर्स्ट गेम डेवलपमेंट कंपनी इन पाकिस्तान. शरियार हैदरी साहब जो कि काफ़ी मेरे अभी भी आइडियल मैनेजर हैं, हमारे सीईओ थे. तकरीबन 4-5 साल मैंने वहाँ एज ए सीनियर गेम डेवलपमेंट मैंने काम किया, एज ए टीम लीड मैं वहाँ से. फिर उन्होंने मैंने रिज़ाइन किया था. कुछ हालात ख़राब हुए थे जो कि मुझे अपना जो पैशन था जिस करियर से वो मुझे छोड़ना पड़ा. गेम डेवलपमेंट इस किस्म की टेक्नोलॉजिकल चीज़ों से काफ़ी मेरा क्रेज़ था, पैशन था, वो मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि कुछ सवाल के हालात ख़राब हुए, IDPs का इशू आया. तो कुछ स्टेबिलिटी की तरफ, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मुझे फिर कोई वो स्विच करना पड़ा. शरियार साहब खुद मुझे कह रहे थे कि आप पेशावर क्यों जा रहे हैं और आप बैंक ऑफ खैबर क्यों ज्वाइन कर रहे हैं. तो बैंक ऑफ खैबर मैंने ज्वाइन किया और इस इंटेंशन से कि मैंने अपनी रिसर्च परस्यू करनी है और अपने प्रोडक्ट्स बनाने हैं. एक प्रॉपर इको सिस्टम मैंने अपना वहाँ पेशावर ही में डेवलपमेंट करना है, KP में. उस चीज़ को करते कराते एक एक दिन जब मैं बैंक जाता था तो इसी सोच से जाता था कि यार ये मेरा करियर नहीं है. मगर फिर भी बैंक में मैं काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स थी मेरी. ATM सॉफ्टवेयर, होस्ट सॉफ्टवेयर से लेगी, लोन मैनेजमेंट सिस्टम से, बैंक ऑफ फेवर में अभी तक 8 बिलियन रुपीज़ का पैसा मेरे ही सॉफ्टवेयर से वो लोगों को मिल रहा है. लोन मैनेजमेंट सिस्टम जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव था, बादशाह खान खुद कफालत स्कीम, खुद कफाल KKS वगैरह उनकी जो थी, तो मेरे ही सॉफ्टवेयर से अभी भी वो चल रही है और काफ़ी स्टेबल चल रहा है. मगर मुझे बैंक छोड़ने के लिए, क्योंकि पैशन मेरा था, रिसर्च मैंने कंटिन्यू की और जो ऑब्सेशन था, वीकेंड्स पर मैं लगा रहता था. मैंने घर ही में एक वर्कशॉप डेवलप किया हुआ था, कटिंग, वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइबर ग्लासिंग, सर्किट्स, एक एक चीज़ मैं खुद कर रहा होता था. तो 2-3 साल लगे मुझे पहली प्रोटोटाइप बनाते हुए, जो कि कार सिमुलेटर थी. और उस प्रोटोटाइप को हमने फिर वो डेवलप करना शुरू किया. डिजिटल यूथ समिट 2017 में हमने उसको अनवील किया तो बेस्ट रिसर्च सर्टिफिकेट हमें मिली. तो बैंक ऑफ खैबर छोड़ते हुए मुझे 10 साल लगे. मगर वही है कि आपका जो पैशन है, आपकी जो ऑब्सेशन है, उस विजन को आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए मेरी यही नसीहत होगी कि सिर्फ पैशन नहीं होता, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, मुस्तकिल मिजाजी. अब मैं एक चीज़ शुरू कर दूँ नहीं और दूसरी शुरू कर दूँ, वैसे स्विचिंग से आप फिर ग्रो नहीं कर पाते. हर एक फील्ड में उसकी इंडिविजुअलिटीज़ होती हैं, एक नीटी ग्रीटी ड्रिल डाउन होते हैं, इनसाइट होता है, उसको डेवलप करते कराते आपको काफ़ी टाइम लगता है. मगर आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. और काफ़ी अच्छी इंकरेजमेंट मिली स्टार्टअप कप वालों की तरफ से, बाकी वालों की तरफ से. NIC वाले ने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया उसको पॉलिश कराने में, नेटवर्किंग में, मेंटोरशिप में, और आप कह सकते हैं कि काफ़ी चीज़ों में उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉलिशिंग हमारी की है. तो मुर्तज़ा ज़ैदी साहब, मैं उनको थैंक्स कहूँगा बहुत ज़्यादा, और उनकी टीम ने, फरहाद, बिलाल, हिरा, जितनी भी टीम है, मसूद साहब स्पेशली, उनकी मेंटोरशिप जो थी, तो एक एक चीज़ कंट्रीब्यूट कर रही थी. और यहाँ तक पहुँचने के लिए एक सोलो, एक बंदी का काम नहीं होता, सारी टीम और सारी उनका होता है उसमें. स्टार्ट में फैमिली मेम्बर्स इन्वेस्टर्स थे, फ्रेंड्स थे, इन्वेस्टर्स थे, उनकी बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन इस तरह है कि अगर सपोज हम वी आर हेयर के लिए उनको राजी नहीं कर, वो आमादा नहीं होते तो हम यहाँ आज नहीं खड़े होते, हमारे पास ट्रैक्शन नहीं होती. हम कभी भी ये नहीं क्लेम नहीं कर सकते कि यार मोर देन 18 मंथ्स से वो फंक्शनल है, ऑपरेशनल है, और 13,000 से ज़्यादा कस्टमर्स अभी तक हम एंटरटेन कर चुके हैं और किसी भी प्रोडक्ट में डाउन टाइम नहीं आए, ये फिगर्स हमारे पास कभी नहीं आते. अगर उनका हम पर ट्रस्ट ना होता
और वो हमारे लिए अच्छा ना सोचते, तो फैमिली मेम्बर्स के लिए स्पेशली जो है वो मैं बहुत ज़्यादा उनके थैंकफुल हूँ।